नमस्कार, न्यूज 11 भारत के कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विम लिंदो। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड के संथाल परगना के पुरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में, और ये जो जगह आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, ये हसडीहा क्षेत्र है जो पुरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में आता है और पुरैया हाट गोड्डा जिले में आता है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जनता, स्थानीय आवाम मौजूद है। उनसे हम जानेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में पुरैया हाट से वो क्या मुद्दे हैं, वो क्या चुनावी मसले हैं जो इस बार हावी रहेंगे, जिनका असर विधानसभा चुनाव में होगा, पुरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में होगा। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जनता मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए, इस बार का जो चुनाव है पुरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में, क्या लगता है वो कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा? मुद्दा हम लोगों को रोड सबसे खराब हो रहा है और सबने घर द्वार खेत बिहार सब मिला के बना दिया, पानी जम जाता है, बरसात में हम लोग को काफी दिक्कत है। रोड का जो मसला है वो सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला है, जिस तरीके से लोगों ने शुरुआत किया। आप आगे आएंगे, आपकी नजरों में क्या लगता है इस बार का क्या चुनावी मुद्दा जो है वो अहम रहेगा? चुनावी मुद्दा अहम रहेगा कि हमारे इस पुरैया हाट क्षेत्र में एक भी फैक्ट्री वगैरह नहीं है, कल कारखाने नहीं हैं, और यहाँ के तमाम युवा अभी आप देखेंगे कि बेरोजगार जहाँ तहाँ घूरते रहते हैं। इसके चलते बहुत सारे युवा गलत राहों पर भी चल जाते हैं। अगर इसी तरह से, जिस तरह हमारा झारखंड भरपूर संपदा से भरपूर हर तरह से एकदम सक्षम है, यहाँ पर एक फैक्ट्री अगर खुल जाए और सभी लोग, हम लोग प्रयास करके एक फैक्ट्री खुले, तो मुख्य मुद्दा यही है कि यहाँ फैक्ट्री खुलना चाहिए जिससे बेरोजगारी दूर हो। और साथ साथ जो यहाँ पर हम लोग 30 बरस से हम लोग लगातार न्यूज 11 से भी हम बोल रहे हैं, न्यूज 11 के माध्यम से, तो निवेदन करेंगे आप पत्रकार बंधुओं से कि आप हमारे हसडीहा का एक समस्या जो बहुत ही गंभीर समस्या है, सरकार ने इस विषय पर बड़े बड़े प्रचार, बड़े बड़े विज्ञापन निकालकर पानी शौचालय की बात करते हैं, जबकि मेरे ग्राम हसडीहा में पिछले 30 वर्षों से ग्रामीण पेयजल के नाम से पानी सप्लाई घर घर होता था, और आज रोड चौड़ीकरण के नाम से ये पूरा पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया गया और जनता का आश्वासन दिया गया कि इससे भी अच्छा पाइपलाइन हम बना कर देंगे, और उसके पाइप भी गिराया गया, लेकिन आज वो पाइप जस का तस धरा हुआ, बेकार धरा हुआ, परा हुआ है, जस का तस परा हुआ है। कई और भी मसले हैं, कई और भी चुनावी मुद्दे हैं जो यहाँ पुरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में हावी। और मैं एक बार फिर से तमाम जनादेश देखने वाले तमाम दर्शकों को बता दूं कि जहां हम मौजूद हैं ये इलाका हसडीहा इलाका कहलाता है। हम अपने कैमरे की नज़र से भी आपको दिखाएंगे, दरअसल ये जो चौक है ये हसडीहा चौक है, और चारों तरफ आप, अभी मैं कैमरामैन से भी गुजारिश कर रहा हूँ, आपको दिखाएंगे कि ये जो चौक है ये चौराहा है दरअसल, पुरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में ये हसडीहा चौराहा कहलाता है, जहाँ एक तरफ बिहार के लिए गाड़ियाँ जाती हैं तो दूसरी तरफ दुमका और देवघर के लिए, तो बंगाल के लिए भी, पश्चिम बंगाल के लिए भी यहाँ से गाड़ियाँ जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण इलाका ये हसडीहा इलाका जो पुरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में आता है। हमारे साथ पुरैया हाट विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय जनता मौजूद है, उनसे हम जान रहे हैं कि वो कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में हावी रहेंगे। आपकी नज़रों में क्या लगता है, यूथ हैं आप, छात्र हैं, कौन सा मुद्दा ऐसा है जो अहम होगा? शिक्षा का मुद्दा काफ़ी अहम है, क्योंकि अभी पहले शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। शिक्षकों की पढ़ाई वो इतनी ख़राब होती जा रही है कि बच्चे को अभी ढंग से अपना नाम तक नहीं आ रहा है। आप चाहे तो आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखें, अभी कुछ दिन पहले ही पूछा गया मुख्यमंत्री कौन है, तो उन्होंने बच्चों ने गलत जवाब दिया, हेमंत सोरेन का नाम लिया, जबकि हमारे मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास। तो आप खुद समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या हो रहा है। अब सरकार ने स्कूल में अटेंडेंस बनाने के लिए बायोमेट्रिक लगा रखा है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षक तो जाते हैं टाइम पे, अटेंडेंस बनाते हैं, लेकिन अटेंडेंस बनाने के बाद वो स्कूल में क्या करते हैं किसी को तो नहीं पता है। वो बच्चों को पढ़ाते हैं, सोते हैं, क्या करते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, रोड, रोजगार और एजुकेशन की हालत क्या है, तमाम लोग बता रहे हैं। इधर भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दाएं तरफ आप आगे आएंगे। आपको आपको लगता है कि आपकी नज़रों में क्या लगता है यहाँ कौन सा मुद्दा जो है? कि आप शिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं, हम तो बच्चा है। तमाम लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन अपने शब्दों में वो बयां कर भी रहे हैं, दर्द जो है वो छलक भी रहा है।
हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार का पौरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में वो कौन सा मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा हावी रहेगा? देखिए, मुद्दा तो बहुत अनेक है, लेकिन हम लोगों का मेन मुद्दा है, और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से रघुवर दास को हम बताना चाह रहे हैं कि दुमका जिला में पिछड़ा आरक्षण घोषित करें, नहीं तो हम लोग अपना मुद्दा देखेंगे। पिछड़ा आरक्षण यहाँ नहीं है, सबसे पहले पिछड़ा आरक्षण दे दुमका जिला को। बिल्कुल, कैमरे के पीछे भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं। हालांकि कह तो रहे हैं तमाम लोग समस्याएं बहुत हैं, कैमरे के सामने आके थोड़ा सा हिचक रहे हैं। आप लोग आगे आएंगे, समस्याओं की हम बात कर रहे हैं, आप भी आगे आएंगे, आप आगे आएंगे। आपकी नज़रों में क्या लगता है यहाँ सबसे अहम मुद्दा क्या है? यहाँ अहम मुद्दा पानी का, सबसे ज़्यादा दिक्कत है पानी का। आदमी गाड़ी चारों जिला से आता है, पानी का दिक्कत पैसेंजर का होता है, आम पब्लिक पानी का ज़्यादा। पानी का जो मसला है वो भी काफ़ी अहम है, काफ़ी गंभीर है। तो तमाम जो मुद्दे हैं, मसले हैं, लोगों ने रखा है पौरैया हाट विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने, जो इस बार के चुनाव में काफ़ी अहम होंगे। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद चलेंगे जनप्रतिनिधि के पास और तमाम विपक्ष के संभावित प्रत्याशियों के पास और जानेंगे कि उनके क्या दावे हैं जिनके दम पर वो जीत का दावा कर रहे हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर कार्यक्रम जनादेश। अब हम आ पहुंचे हैं पौरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में रियलिटी चेक करने के लिए। हमारे साथ पौरैया हाट विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, इनसे हम पहले जानेंगे किसानों के बारे में, कृषि के बारे में और इरीगेशन के बारे में। जो स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने जो दावे किए हैं कि कितना काम किया है उन्होंने किसानों के लिए, तो यहाँ आम जनता से हम जानेंगे कि क्या वाकई किसानों के लिए काम हुआ है। आप ये बताइए, क्या लगता है जो स्थानीय विधायक की तरफ से दावे किए गए हैं कि किसानों के लिए इरिगेशन पे हमने बहुत बेहतरीन काम किया है, काम हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल क्षेत्र पुड़िया पूरे विधानसभा कैमरे के सामने बताइए, पूरे देश की जनता देखिए, पुड़ियार विधानसभा। आप, मुझे लग रहा है कि आप आज एक हफ्ते से आप घूम रहे हैं, तो आपको भी अनुभव हुआ होगा क्या काम हुआ है क्षेत्र में किसान के लिए। किसान बिल्कुल त्राही आम है, बारिश में जिस समय खेती होती है उसमें बिल्कुल भगवान के भरोसे खेती होती है। यहाँ पे कोई भी सिंचाई की व्यवस्था आज तक, जो उन्होंने 15 साल से 20 साल इन्होंने राज किया है, आज तक इन्होंने कोई भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं किया है। कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, जो बोले सही बात बोले कि किसान के लिए अभी तक कोई वैसा सिंचाई व्यवस्था नहीं की है कि वो 3 फसल उपजा सके, भगवान भरोसे चल रहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने जलाशय को लेकर, सिंचाई को लेकर किसानों के लिए एक रोड मैप बनाया है और उसी रोड मैप पर चलते हुए हमने काम किया है, जो पूरे पौरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्या लगता है कि रोड मैप बना है क्या? क्या रोड मैप बना है किसानों के लिए? कुछ नहीं बना है किसानों के लिए। क्या बना है? मेन तो किसान की खेती है, जब खेती में पानी नहीं है तो फिर खेती कहाँ से होगी। बिल्कुल यहाँ भगवान भरोसे है, जो भी पानी अगर ऊपर वाले पड़ा तो पानी से खेती होगा। हम लोग का 3 सिंचाई होता था, 3 खेती होता था, दलहन, उसके बाद आपका ये धान, सारी चीज एक खेती होते होते बिल्कुल पस्त हो जाता है, जमीन का बुरी स्थिति बुरा हो जाती है। नहीं, नदी है यहाँ पे, ठीक है ना, सिंचाई की व्यवस्था है। आज जितने भी यहाँ पे डैम भी बनने का जो स्थिति है, वो भी डैम नहीं बना आज तक हम लोगों का, उसमें भी विरोध हमारे माननीय विधायक जी करते हैं। बिल्कुल, विधायक की तरफ से जो दावे किए गए हैं किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए, वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जो पौरैया हाट विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो बता रही है कि जो काम होना चाहिए ज़मीनी स्तर पर वो हो नहीं पाया और सिर्फ कागजी स्तर पर काम हुआ है। चलते हैं आगे, रोड और बिजली की भी बात करेंगे, एजुकेशन की भी बात करेंगे कि विधायक ने जो दावे किए हैं उन दावों में कितना दम है। हम आ पहुंचे हैं पौरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में रोड की रियलिटी चेक करने के लिए। जो स्थानीय विधायक की तरफ से दावे किए गए हैं कि रोड पे
हमने बेहतरीन काम किया है, तो नज़ारा भी आपके सामने है। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पोरैया हाट विधानसभा क्षेत्र का वो रोड है जो वर्षों से बनने की आस में रास्ता देख रहा है जनप्रतिनिधियों का, और जनप्रतिनिधियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमने रोड पे बेहतरीन काम किया है। कितना काम किया है और कैसा काम किया है रोड को लेकर नज़ारा आपके सामने है। हमारे साथ यहाँ की स्थानीय पार्षद भी मौजूद है और स्थानीय जनता भी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या विधायक ने जो दावे किए हैं रोड पर, सड़क पर, उन दावों में कितनी सच्चाई है। आप ही बताइए, आप जिला पार्षद हैं, क्या लगता है आपको कि विधायक ने जो दावे किए हैं कि रोड पे हमने काम किया है, सड़क को लेकर हमने काफ़ी काम किया है, तो काम हुआ है क्या? रोड कहीं कहीं बना है लेकिन कहीं कहीं नहीं बना है, कहीं कहीं समस्या है, कहीं कहीं बना है, विधायक जी बनाए हैं, चार चरम विधायक रहे तो कुछ तो काम किया है, कुछ कहीं समस्या है और कुछ समस्या हो, ये सब समाधान करना चाहिए। ये मेन रोड है, इसका एकदम जरूरी है बनना। मेन रोड है और यही रोड अब तक बना नहीं है, समझ सकते हैं कितना काम हुआ। दीपावली का समय है, छठ पूजा के आप बताइए क्या लगता है, काम हुआ है क्या? काम तो सामने में देख रहे हैं कि काम यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन ये केवल विधायक निधि का काम नहीं है, जिला योजना में भी तो बहुत सारा फंड है, इन्होंने बहुत सारा प्रस्ताव दिया है लेकिन काम तो नहीं लिया गया है ना। बिल्कुल, स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या उनकी नज़रों में विकास हुआ है, क्या लगता है? नहीं, मैं ये बताया था आपको, जो हमारे जिला परिषद जी ने बहुत बार रिकमेंड किया जिला में, विधायक से, सांसद से या किसी से भी, जिला योजना से इनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। अगर आज अगर सपोर्ट मिला जाता या जिला योजना से कोई काम अगर होता तो निश्चित रूप से काम भी हमारे जिला परिषद के द्वारा ये काम होता। बिल्कुल, सपोर्ट मिला नहीं, सपोर्ट अगर मिलता तो काम होता, कोऑर्डिनेशन का काफ़ी अभाव रहा। क्या लगता है आपको, आपकी नज़रों में क्या विकास हुआ है क्या सड़क पर? हम लोगों पूरा जनता जनार्दन मिल के एक महिला को सशक्तिकरण के लिए जिला परिषद अध्यक्ष हम लोग बनाया, और सरकार का ये काम था कि इनको जो है फंड देता, और हमारे विधायक महोदय तो आते जाते हैं लेकिन इस रोड के बारे में जरा भी उनको ख्याल नहीं है, और हमारे यहाँ के सभी जनता जनार्दन नरक का जिंदगी जो है जी रहा है। इसीलिए विधायक महोदय से अविलंब ये मांग करते हैं कि इस रोड को अविलंब जो है बनाने की कृपा करें। नरक की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ के लोग। चलते हैं बिजली और एजुकेशन के बारे में भी बात करेंगे आम लोगों से कि क्या विधायक ने जो दावे किए हैं इन सब पे विकास हुआ है, कितना हुआ है विकास। चलते हैं बिजली और शिक्षा व्यवस्था का हाल जानने के लिए। जनादेश कार्यक्रम में हम आ पहुँचे हैं पोरैयाहाट विधानसभा क्षेत्र में बिजली का हाल जानने के लिए। हमारे पीछे जो बिजली के खंभे लगे हैं और उस पर जो बिजली के तार लटके हुए हैं वो कितने जर्जर अवस्था में बखूबी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे पीछे ये बिजली का तार है, यहाँ पे नए खंभों को गाड़ने की बातें थी लेकिन अब तक वो चीज़ें हो नहीं पाई हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है पोरैयाहाट विधानसभा क्षेत्र में, बिजली की जो हालत है, बिजली की जो लचर व्यवस्था है, वही हाल शिक्षा का भी है। यहाँ पे बिजली पे बात कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय, पोरैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप इधर आएंगे। बिजली, आप विधायक ने ये दावा किया है कि बिजली पे हमने बेहतर काम किया है, क्यों बिजली रहती है? बिजली दिन भर में 2 घंटा रहता है, बिजली 3 घंटा रहता है, और रात में तो बिजली मिलता ही नहीं है। दूसरा बात, देखिए बिजली का सर्वे करके जब से गया है, तार टन के गया है, ये देखिए खंभा जो लगा हुआ है सामने में दिख रहा है, इसमें तार लग गया है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति उसमें सट जाएगा तो मर जाएगा आदमी, यही प्रॉब्लम है। हम जो मशीन, लेथ मशीन जो बैठाए हैं हमने, वेल्डिंग मशीन जो बैठाए हैं, लाइन नहीं मिल रहा है, महीना में 3,000-4,000 का महीना बिल भर रहे हैं, यही कारण है। ये सब सुविधा हम लोगों को मिलना चाहिए। आप लोग आगे आएंगे, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है जो बिजली, तो अभी सबसे पहले वो तार देखिए, जितना तार गिरा हुआ पूरा गार घर में लग जाएगा तो आदमी बचने का ठार नहीं मिलेगा। पर कितना बिजली से शिकायत किया लेकिन शिकायत लेता नहीं है, पूरे एक बार तार टान लिया बस चला गया और तार ढीले छोड़ देता है।
सब जितना कस्टमर है सबसे पूछ। और क्या बोलेंगे बताइए, तार आगे देखिए, पूरा पूरा घर का देखिए, सामने में लगा हुआ तार, पूरा तार गाछ में लगता है। सोचने वाली बात है कि 24 घंटे में लोगों के मुताबिक 2 घंटे से 2.5 घंटे बिजली ही रहती है पोरैया हाट विधानसभा क्षेत्र के इस इलाके में। आप लोग आगे आएंगे, हम बात कर रहे हैं पोरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में बिजली की। अब विधायक ने दावा किया है कि बिजली हम 24 घंटा देते हैं। 24 घंटा तो नहीं, बिजली का जो है ना यहाँ लचर व्यवस्था है। और क्या कहते हैं कि देखिए आपके सामने है जो तार जो खींचा गया है, नया कनेक्शन जो मिला है सबको, उसमें जैसे तैसे करके ठेकेदार लोग तार को खींच के अपना काम निकाल के चले गए हैं। कभी तार लूज होता है, हवा चलती है तो लड़ जाता है तार, और अब परेशानी तो होती है बिजली से। लेकिन 24 घंटा तो नहीं रखिए, 16-17 घंटा मिलता है बिजली। सोलर चक्की का मील है, प्राप्त फैक्ट्री है बगल में, ये सब देखिए कि बंद पड़ा है, लाइन की चलती में कस्टमर घूम रहा है, क्या करेगा आदमी? सरकार को कहाँ से पैसा देगा? सामने उधर वो भी तार कहते था टाना था, नहीं तार टाने के लिए कहते थे, एक बार आया झुनका से बस चला गया पूरा कने। तो रियलिटी चेक जो हमने किया है, तो विधायक की तरफ से जो दावे किए गए हैं उन दावों में 50% ही सच्चाई है। जनादेश कार्यक्रम में आज इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए न्यूज 11 भारत के साथ। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जनादेश, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पोरैया हाट से JVM विधायक प्रदीप यादव। उनसे जानते हैं कि उनके दावे क्या हैं, जिनके दम पर वो जनता के बीच में जाएंगे और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रदीप यादव से जानते हैं कि इनके दावे क्या हैं। सर ये बताइए, आप किन दावों के दम पर जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, जीत का दावा तो पहली बात हम नहीं करते, हम तो ये जनता पर छोड़ देते हैं। जो जनता निर्णय लेगी वो सहर्ष स्वीकार होगा। लेकिन पिछले 20 वर्षों से जिस तरह से हमने पोरैया हाट को सींचा है, जिस प्रकार पत्थर पर लकीर खींचा है, हमें लगता है कि वह मेरी मेहनत वोट में परिणत होगा। और जो मेरा रिश्ता नाता रहा है कि एक वोटर से, हम सुख दुख का साथ ही रहे हैं। और बिल्कुल पोरैया हाट में काम को अगर हम तोलना चाहें तो प्राथमिकताओं में 3 काम बताइए जिसको लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं। देखिए, विधायक के पास गिनाने को कुछ नहीं रहता, जो सरकार रहती है उस पर निर्भर करता है काम का। मैं कहूँ कि मैं तो 4 बार विधायक हूँ, लेकिन सबसे कम काम इस 5 साल में हुआ, क्योंकि इस बार सरकार केवल सपने दिखाती रही, विधायक की अनुशंसा पर बहुत कम काम हुए। लेकिन फिर भी जो मेरे प्रयास थे कि भाई गाँव का पहुँच पथ बनाना, गांव के बच्चों को स्कूल उपलब्ध कराना, ये सारे काम 20 वर्षों में हुए। लेकिन इस बार की बात आप कहें, इस बार जो सरकार ने दिया, जैसे 2 ITI दिए, जो हमारी डिमांड था कि आपकी अनुशंसा पर होगा, दूसरे जगह 1 हुआ पूरे विधानसभा में, हमने 2 यहाँ कराने का प्रयास किया, 1 स्टेडियम इंडोर स्टेडियम भी कराने का प्रयास किया, खेतों तक पानी पहुँचाने का प्रयास किया, जो सड़क पुल है वो तमाम चीज़ें हुई, छोटे मोटे स्कूलों को जो उत्क्रमित करना था, कुछ +2 विद्यालय, जैसे सुनवारा में 1 +2 विद्यालय बना दिए, छोटी मोटी उपलब्धियां जो जनता की जरूरत है, उन जरूरतों में हम सहायक होने का प्रयास किए। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि हमने कोई ऐसा काम कर दिया। अब जैसे ठीक है, यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज मेरे क्षेत्र में, अभी इसकी नींव तो हमने 2005 में डाली थी, अब उसको मूर्त रूप मिला। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर पोरैया हाट में है तो संथालपना की जमीन का दाम जो कौड़ी के भाव जा रहा था रेलवे में, अडानी पावर प्लांट में, मैंने बड़ी ईमानदारी पूर्वक उस लड़ाई को लड़ी और 13 गुना अधिक दाम, हजारों किसान हजारों घर वाले आज लाभान्वित हुए हैं, वो मेरे संघर्ष का एक बड़ा परिणाम है, जिसमें दर्जनों बस्तियां लाभान्वित हुई। कई इस प्रकार के हैं जो इन 5 सालों में हमने करने का प्रयास किया, और मैं धन्यवाद देता हूँ पोरैया हाट की जनता को कि उन्होंने मुझे अवसर दिया
और केवल पुड़िया हाट की लड़ाई नहीं, पूरे झारखंड के दलित पिछड़ों आदिवासियों मूल झारखंड वासियों के नौजवानों की लड़ाई हमने बेहतर तरीके से सरकार के सामने रखा है। ये थे प्रदीप यादव, विधायक JVM पुड़िया हाट। तमाम उपलब्धियों का बखान कर रहे थे और बता रहे थे कि हमने इतना काम किया है, जिनके दम पर जनता के बीच जाएंगे और जीत कर दोबारा विधानसभा में पहुंचेंगे। चलते हैं उन संभावित प्रत्याशियों के पास पुड़िया हाट में और जानेंगे कि विधायक प्रदीप यादव ने जो दावे किए हैं उन दावों में कितना दम है, जानेंगे संभावित प्रत्याशियों से। हमारे साथ मौजूद हैं गुड्डा के पुड़िया हाट विधानसभा क्षेत्र से BJP के संभावित प्रत्याशी प्रशांत कुमार मंडल। इनसे हम जानते हैं कि जो स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने जो दावे किए हैं उन दावों में कितना दम है। आप ये बताइए प्रशांत जी, BJP के आप संभावित प्रत्याशी हैं पुड़िया हाट विधानसभा क्षेत्र से, स्थानीय विधायक की तरफ से दावे किए गए हैं कि शिक्षा से लेके एजुकेशन से लेके रोड से बिजली तक हमने बेहतरीन काम किया है और जो काम किया है उसके दम पर हम फिर से जीत के विधानसभा में आएंगे। देखिए, जहाँ तक रही प्रदीप यादव के बारे में, आपको जानकारी है कि यहाँ दो बार मंत्री भी रहे हो, शिक्षा मंत्री भी रहे हो, ग्राम विकास मंत्री रहे, और उनके टाइम से कमीशन खोरी पूरे झारखंड में दुनिया भर के बढ़ी। विधानसभा पुड़िया हाट में तो कमीशन खोरी चरम सीमा पर है, आज भी है, और ये बढ़ाने का काम मिस्टर प्रदीप यादव किए हैं। सिर्फ यही नहीं, पूरे झारखंड में जब शिक्षा ये ग्राम विकास मंत्री थे वो, तो वीडियो का रेट हुआ करता था 3 लाख से लेकर 12 लाख तक पोस्टिंग के लिए। तो फिर ये विकास क्या करा, जब शिक्षा मंत्री थे वो तो 2 साल किताब इसलिए नहीं आए थे पूरे झारखंड में कि इनका कमीशन मांगे थे, इन्होंने लंबा कमीशन मांगा था, लोग 4 करोड़ कमीशन मांग लिए थे किताब छापने के लिए प्रिंटर लोगों से। ये मामला चला दिल्ली तक गया और नतीजा हुआ कि 2 साल किताब नहीं छपी कमीशन खोरी चक्कर में। इनका कहना है कि रोड के साथ साथ बिजली को लेकर और अगर किसानों की बात की जाए इरीगेशन को लेकर हमने बेहतरीन काम किया है। एक त्रिवेणी वियर है जहाँ से प्रदीप यादव आते हैं, मैं भी आता हूँ उस एरिया से, वो नहर जो था हर साल खुदाई जाता था और वो एक कमीशन खोरी का अड्डा बन गया था, ठेकेदारी का अड्डा बन गया था। ये लगातार 12 साल तक चला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रघुवर सरकार को, जिनके दरमियान में ये 64 करोड़ का रोड बना जो पक्कीकरण हो गया, जिसमें अब नौटंकी बंद हो गया, ठेकेदारी प्रथा बंद हो गई और प्रजी में खूब हुआ था। ये पूरे इलाके में पुड़िया विधानसभा में ठेकेदारों का अड्डा बना दिया। ये आपको मैं बता दूँ, इससे अलग हटके बताता हूँ, ये JPSC घोटाला जो हुआ है, इसके जनक है, फादर ऑफ JPSC घोटाला मिस्टर प्रदीप यादव, किंग पिन माना गया इनको, सामने सब बात आते आ रही है। तो क्या बताएंगे, पूरे झारखंड की राजनीति को बर्बाद किया उन्होंने। पुड़िया तो उस बर्बाद करवे किया, पूरे झारखंड की राजनीति को बर्बाद किया उन्होंने। तो पुड़िया हाट में विकास की धारा अब तक नहीं बह पाई। बिल्कुल नहीं। मैं निशिकांत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जब ऐसे MP बने हो और रियली में विकास के माध्यम से वोट लेने का प्रयास किया। प्रदीप जी कभी विकास के माध्यम से वोट नहीं लिया, गुंडागर्दी करके बूथ लूट करके वो MLA बनते रहे। ये थे BJP के संभावित प्रत्याशी पुड़िया हाट विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत मंडल। बता रहे थे किस तरीके से जो प्रदीप यादव हैं स्थानीय विधायक, कमीशन खोरी का अड्डा बन चुका है और भ्रष्टाचार इस इलाके में चरम पर है। चलते हैं कुछ और संभावित प्रत्याशियों के पास में पुड़िया हाट विधानसभा क्षेत्र में। कार्यक्रम जनादेश में हम आ पहुँचे हैं पुड़िया हाट विधानसभा क्षेत्र में BJP के संभावित प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के पास। उनसे जानते हैं कि स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने जो दावे किए हैं और जिन दावों के दम पर वो जनता के बीच जाकर जीत का दावा कर रहे हैं उन दावों में कितना दम है, जानते हैं BJP के संभावित प्रत्याशी पुड़िया हाट से देवेंद्र सिंह जी से। देवेंद्र जी, ये बताइए कि स्थानीय विधायक की तरफ से दावे किए गए हैं कि हमने रोड से लेके बिजली किसानों के लिए बेहतरीन काम किया है, क्या लगता है दावों में दम है? बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात तो अभी जो पोजीशन है कि वो अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि वो झारखंड विकास मोर्चा छोड़ के वो JMM में ज्वाइन करने वाले हैं, पूरा चर्चा है सब जगह, तो इसका मतलब वो कहाँ जाने वाले हैं इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो विकास का दावा किया है उस दावों में कितना दम है? इस दावों में कोई दम नहीं है। आज 20 साल से करीब वो यहाँ पर विधायक हैं। आप यदि देहात का यदि आप घूमे होंगे देहात में तो आपको दिखाई पड़ता है ना कहीं सिंचाई का है सुविधा, ना कहीं रोड का। रोड यदि कहीं बना भी यदि है तो वो बनते जा रहा है, एक तरफ से उखड़ते जा रहा है, यानी सिर्फ वो अपने ठेकेदारों का और अपने कार्यकर्ताओं का पोषण कर रहा है। यहाँ पर कहीं विकास की कोई बात नहीं है। आज यदि आप ब्लॉक स्तर पर जाएंगे तो ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है वो यहाँ के विधायक हैं।
तो स्थानीय विधायक जो रहता है उसी की सरकार रहती है यहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक। आप ब्लॉक जाएंगे तो ब्लॉक में जितनी घुसखोरियाँ हैं जो जाति निवासी या और जो भी चीज़ करते हैं वो आज तक कहीं भी जा करके उसने उस पर रोक लगाने का प्रयास नहीं किया, कभी भी नहीं किया। पुड़िया आठ से तलझारी जाइए, सभी रोड उखड़ चुका है। अब वो कमीशन खोरी जो जिसका साल भर में नहीं चलता है वो उखड़ जाता है यहाँ पर। जो विधायक आपके जो विधायक प्रदीप यादव की तरफ से दावे किए गए हैं, जो तमाम संभावित बीजेपी के प्रत्याशी और अन्य पार्टियों के भी जो प्रत्याशी हैं पुरैया हाट विधानसभा क्षेत्र से, उन दावों को साफ तौर पर खारिज कर रहे हैं। चलते हैं कुछ और प्रत्याशियों के पास पुरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं कि विधायक ने जो दावे किए हैं उन दावों में कितना दम है। हम आ पहुँचे हैं पुरैया हाट विधानसभा क्षेत्र में JMM के संभावित प्रत्याशी अनुपम कुमार के पास में। इनसे जानते हैं कि स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने जो दावे किए हैं विकास के, उन दावों में कितना दम है। अनुपम जी, आप JMM के संभावित प्रत्याशी हैं पुरैया हाट विधानसभा क्षेत्र से। प्रदीप यादव से अभी हमने बात किया, उनकी तरफ से ये कहना था कि हमने विकास की लकीर खींचा है पूरे क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, रोड का मामला हो, बिजली का मामला हो, किसानों के लिए हमने बेहतर काम किया है। क्या लगता है, विकास डेवलपमेंट हुआ है क्या क्षेत्र में? देखिए, लगातार 20 साल से प्रदीप यादव जी यहाँ पर राज कर रहे हैं। वो चार चार बार यहाँ MLA बने, एक बार MP बने। आज तक जहाँ तक मेरा मानना है, और आप सुदूर देहात जाइए, हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ। रोड तो बनते हैं और टूट जाते हैं, 5 साल, 2 साल, 1 साल में टूटेंगे, लेकिन किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, वो किसानों को आज तक नहीं मिल पाया। कभी आज पूरे राज्य में जितना पैसा का अपव्यय हो रहा है, अगर उसका बजट 2000 से लेकर 2019 तक निकाला जाए और उतने पैसे को बिछाया जाए पूरे झारखंड में, तो पूरे झारखंड में 10-10 हज़ार का गड्ढी लग जाएगा। कहीं भी रोड, नाला, घर द्वार, पूरा झारखंड रुपया से मतलब बिछौना हो जाएगा झारखंड। तो पुरैया हाट विधानसभा क्षेत्र से तमाम जो विपक्ष के संभावित प्रत्याशी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विधायक की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो दावे महज खोखले हैं। काम तो हुआ है लेकिन सिर्फ कागजों पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे आम जनता के पास और करेंगे रियलिटी चेक कि आखिर जो विधायक की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितना दम है, काम कितना हुआ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।